नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे देश में आतंक के खिलाफ जारी सबसे बड़े एक्शन की। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए एटीएस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। आतंकवादियों के तमाम मददगारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हर राष्ट्र का पर्दा जो है वो फाश किया जा रहा है। देश के दुश्मनों की साजिश जोड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 आतंक पर आर पार। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि गिरफ्तार आतंकियों से मिले इनपुट के बाद जांच का दायरा लगातार बड़ा किया जा रहा है। हमारी टीमें जगह जगह जा रही हैं और जो इनके साथी हैं और जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। यूपी में आतंकियों की निशानदेही पर एटीएस का एक्शन लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कानपुर के पनकी इलाके की 3 महिलाएं आतंकी संगठन के संपर्क में थी। महिलाओं को मानव बम बनाने की साजिश थी। एटीएस के पहुंचने से पहले ही तीनों महिलाएं गायब हो गईं। यूपी में एटीएस का एक्शन जारी है। एटीएस की टीम ने आतंकियों के 5 मददगारों को पकड़ा है। आतंकी मिनाज और मसरुद्दीन की मदद करने के आरोप में लखनऊ से शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मुईद को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं कानपुर से लईक और अफाक को पकड़ा गया है। लखनऊ से गिरफ्तार शकील ही वो शख्स है जिसने मिनाज और मुशीर को हथियार सप्लायर से मिलवाया था। काकोरी के आतंकियों का आजमगढ़ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसटीएफ की एक टीम आजमगढ़ में मौजूद है। एसपी ने संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस चेकिंग चला रही है। सरायमीर, रानी की सराय, बिलरियागंज और मुबारकपुर में पुलिस की विशेष नजर है। काकोरी ऑपरेशन में पकड़े गए आतंकी मिनाज और मसरुद्दीन ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि 5 चैप्टर का कोर्स पूरा करने के बाद ही युवाओं को अलकायदा में शामिल किया जाता है। मिनाज और मसरुद्दीन ने भी 5 चैप्टर का कोर्स पास किया था। एटीएस को आतंकी मिनाज और मसरुद्दीन के मोबाइल से 12 वीडियो मिले। हैंडलर के भेजे गए ये वीडियो उन्माद से भरे हुए हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल युवाओं को बरगलाने के लिए किया जाता था। वहीं आतंकियों के कॉल डिटेल से पता चला है कि ज्यादातर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली और कानपुर से की गई हैं। कानपुर से आतंकियों को सबसे ज्यादा कॉल आई। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा सामने आया है। विस्फोटक डिवाइस को बिहार भेजने की जानकारी मिली है। डिवाइस अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। इंसेंडियरी डिवाइस के धमाके से जो आग लगती है उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। समझौता ब्लास्ट में भी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल हुआ था, लिहाजा बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर पाकिस्तानी आतंकी एजाज उर्फ अबू हुरैरा समेत 3 आतंकवादियों को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। वहीं बड़गाम में लश्कर से जुड़े 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पिछले 15 दिनों में 4 शीर्ष कमांडर समेत 16 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इस साल अब तक 72 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इस साल के पहले 6 महीनों में 112 से ज्यादा आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।